मूल्यों के सशक्तिकरण में महिला की बहुत बड़ी भूमिका हमेशा से ही रही है। भारतीय संविधान किसी भी तरह का लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता और सबको बराबर से जो है अधिकार देता है। लेकिन जो समाज के कट्टरपंथी लोग हैं, समाज के जो पहरेदार बनते हैं अपने आप को, जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं, वो आज भी महिलाओं को उनकी आज़ादी से वंचित रखना चाहते हैं। उनको न घर से बाहर जाने, शिक्षा, स्वावलंबन या कहीं काम करने या सामाजिक भागीदारी करने आदि में जो है वो रोड़ा अटकाते हैं। वो चाहते हैं कि महिलाएं अभी भी जो है वो घर की चार दीवारी में रहे और घर पे ही जो है चौके और चूल्हे तक ही जो है वो सीमित रहे। तो महिला फेडरेशन इन सारे सवालों को शुरू से ही जो है वो महिलाओं को संगठित करके और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बराबर जो है वो संघर्ष करता रहा है और तमाम आंदोलन किए और समाज में उनको अधिकार दिलाए बराबरी से, जहाँ समाज में ऐसे लोग हों जो महिलाओं के हर सवाल पर जो है अपनी कट्टरवादी सोच रखते हैं, तो उनके खिलाफ महिला फेडरेशन जो है वो हमेशा से संघर्ष करता रहा है। और जो प्रगतिशील वैज्ञानिक सोच के लोग हैं उनको साथ लेकर तो तमाम संघर्ष किए और उनको उनके अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा की, कट्टरवादी सोच से मुक्त किया। संविधान के नियमों और संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उसके अधिकार हैं, जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं, और उसके लिए भी जो है वो लगातार महिलाओं को संगठित करता रहा है और इस तरह से संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में उसका बहुत बड़ा जो है वो योगदान रहा है। संघर्ष के लिए जो है महिलाओं ने जो है वो तमाम सवालों पर, जो तमाम इस तरीके के सवाल हैं जहाँ संविधान विरुद्ध किए गए और इस व्यवस्था में जहाँ मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, एक समुदाय दूसरे समुदाय के लिए कि कौन किसको बस्ती में रहना है, किसको समाज में रहना है, किसको बाहर करना है, किसको नागरिकता देनी है, किसको नागरिकता नहीं देनी है, संप्रदाय के आधार पर जहाँ भेदभाव करता है तो कौन किसको नागरिकता मिलेगी और कौन देश से बाहर जाएगा, और जरा सा भी सरकार के विरुद्ध बोल दिया तो वो उनको पाकिस्तान भेज दो, और इस तरीके की जो बातें करता है, तो महिला संगठन जो प्रगतिशील सोच रखते हैं वो इन सबके खिलाफ संगठित होकर और जो हमें संविधान से अधिकार मिले हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद जी की ये लाइंस कितना ताकत देती है ना। हाँ, हम सभी महिलाओं को इससे एक अलग प्रकार की प्रेरणा मिलती है। नमस्कार, आप सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर आप जानते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जा रहा है या इसकी जरूरत क्या है? जरूरत है आपको और हमें जागरूक होने की। जरूरत है क्योंकि हम अपने अधिकारों को जान कर भी अनजान हैं। हम नहीं समझ पा रहे कि जेंडर बायस्ड जो समाज हो रहा है, या शायद जो ये समाजीकरण है, या ये जो हमारे दिमाग में ये चीज कूट कूट कर जो बचपन से भरी जाती है, तुम बेटी हो वो भाई है, तुम पत्नी हो वो पति है, और हमारे लिए जो अलग अलग नियम बनाए जाते हैं, उससे हमारे राष्ट्र को कितना नुकसान हो रहा है। जी, राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक राष्ट्र तभी सशक्त हो सकता है जब उसमें रहने वाले 50% आबादी यानी कि महिलाएं उसी लेवल पर जाएं, उसी लेवल पर काम करें, उसी लेवल का सम्मान लें जिस लेवल का बाकी की 50% आबादी यानी कि पुरुषों को मिलता है।
पर इसमें पुरुषों की इतनी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं हम ही अपने अधिकारों के लिए उतना जागरूक नहीं है। मैं मानती हूं क्योंकि जब कहीं ना कहीं एजुकेशन नहीं होती है, कहीं ना कहीं किसी और फील्ड में जब हम जाते हैं और हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो पावर है, जो डिसीजन टेकिंग या डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं, वो कम हैं, तब ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है, कम से कम आज तो नहीं है। कोमल है, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। जी हाँ, हम वो शक्ति हैं जो हर प्रकार से सक्षम है अपनी और अपने देश की और अपने परिवार की सुरक्षा, रक्षा और ध्यान रखने के लिए। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं है। हम वो सूरज हैं जो हर दिन जलकर अपने परिवार को और पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, पूरी दुनिया को। पर हमें अब ये समझना होगा कि जो समाज की सोच है, जो कहीं ना कहीं हम लोगों पर थोपी जाती है, वो अब नहीं चलेगी बिल्कुल। क्योंकि किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए स्त्री और पुरुष का एक समान अधिकार होना और मिलना बहुत जरूरी है, बहुत। आज हर एक पहलू या हर एक जगह पर एक स्त्री और एक पुरुष कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर हमें अपने अधिकारों के बारे में पता ही होना चाहिए। जैसे स्त्रियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में, घरेलू हिंसा बहुत कॉमन है। जेंडर बायस तो अभी हम लोगों ने बात की इस बारे में, लेकिन हमें समझना होगा कि इन सभी, हमें कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा, और बल्कि हमें और अपनी जैसी और बहनों को जागरूक करना पड़ेगा। हम सब सक्षम हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब जागरूक होंगे ही। महिला सशक्तिकरण कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, जिसके लिए जितना जिम्मेदार महिलाएं हैं उतना तो कोई और है ही नहीं। क्योंकि जब हम अपने राइट्स के लिए और अपने अधिकारों को जानेंगे तो हमें कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तो मैं आशा करती हूं कि हम अपने अधिकारों के बारे में और अधिक जानेंगे और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ इस जीवन के खेल में एक ही नियम के साथ आगे बढ़ेंगे। सक्षम हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब जागरूक होंगे ही। महिला सशक्तिकरण कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, जिसके लिए जितना जिम्मेदार महिलाएं हैं उतना तो कोई और है ही नहीं। क्योंकि जब हम अपने राइट्स के लिए और अपने अधिकारों को जानेंगे तो हमें कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तो मैं आशा करती हूं कि हम अपने अधिकारों के बारे में और अधिक जानेंगे और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ इस जीवन के खेल में एक ही नियम के साथ आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। इंटरनेशनल वुमेंस डे की सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगी कि भले ही देर से मिला, लेकिन ये हक औरतों को हासिल हो गया। हालांकि इस्लाम ने तो 1500 साल पहले ही औरतों को ये हकूक दे दिए थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब हिंदुस्तान की आधी आबादी जो है वो अपने हक और एतबार के लिए जिसको कहते हैं बेदार हो चुकी है अपने इख्तियार के लिए। और लेकिन रफ्तार बहुत धीमी है, अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं कि गांव देहातों में प्राइम स्कूलों में वहाँ की लड़कियाँ जाने लगी हैं, ज़िद करती हैं और शहर तालीम हासिल करने के लिए जाती हैं, लेकिन
अभी भी बहुत सी मुश्किलात हैं, क्योंकि मैं ग्रास रूट पे औरतों के लिए काम कर रही हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि पढ़ने के बाद लड़के काम करना चाहती हैं, सरकारी नौकरी चाहती हैं, आला उहदों पे जाना चाहती हैं, लेकिन अभी भी बहुत रुकावटें हैं। लेकिन ये खुशी की बात है कि अब औरतें अपने हकूक़ पहचाने लगी हैं, वो चाहे शरई हकूक़ हों या कानूनी हकूक़ हों, क्योंकि अंदाज़ा होता है कि अब औरत के अंदर इतनी हिम्मत पैदा हो गई है कि वो पुलिस स्टेशन जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। और ये एक बहुत खुशाइन तस्वीर है कि वो अपने हक़ के लिए अब तैयार है। लेकिन जो सबसे बड़ी रुकावट है जो मैं समझती हूँ भारतीय महिलाओं की तरक्की में, वो है हमारा मेल ओरिएंटेड सोसाइटी। क्योंकि जो मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है उसी ने अभी तक औरतों को बंद करके रखा है, उनके ऊपर रुकावटें डाल के रखा है। कहीं पर आप देखते हैं बहुत जुल्म सितम होते हैं, कहीं पर रोज़ी रोटी का उसको आदि बना दिया गया है, मतलब कि अगर हमारा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। घरों में बहुत सी चीज़ें हैं, कहीं बाप की सख्ती है, कहीं भाइयों की सख्ती है, कहीं शौहर की सख्ती है, कहीं बेटों की सख्ती है। तो ये जो मजबूरियां औरतों के लिए पैदा की गई हैं उस वही सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि आदमी नहीं चाहते कि औरतों को आज़ादी मिले, औरत बाहर निकले घर से, क्योंकि उनको लगता है कि इससे हमारी जो ताकत है वो कमज़ोर होगी और ये फिर हमारा कहना नहीं मानेगी। हालांकि ऐसा है नहीं। मैं एक बहुत ही क़दामत परस्त ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, जो बहुत ही फंडामेंटल था अपने माशरती तौर पे और अपने इकदार के एतबार से। मतलब बहुत ज़्यादा मैं पर्दे में रही हूँ और मैंने वो माहौल देखा है जब मेरी नानी डोली में आया जाया करती थी पड़ोस तक में। तो उस वक्त मेरी अम्मी जो कि गांधी आश्रम से पढ़ के वापस आई थी, तो वो इंडिपेंडेंट थी और सिंगल मदर थी, हमें पाल रही थी और बहुत इज्जत के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समस्त देशवासियों की महिलाओं को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी महिलाओं से ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग आत्मनिर्भर बने और देश को सशक्त बनाएं। जिस प्रकार हमारे सरकार हमारी महिलाओं के बारे में सोचती है, महिलाओं के लिए कार्य करती है, आत्मनिर्भर बनाती है, इसी प्रकार सभी महिलाओं को जागरूक करके एकत्र होकर सभी को जानकारी दे कि सरकार जिस प्रकार लाभ दे रही है और उस लाभ को प्राप्त करके वो अपने जीवन को लाभान्वित करें और प्रगति की ओर अग्रसर रहें।